ये कहानी लखनऊ के रहने वाले नवाज मियाँ की है, जो अपनी पत्नी की मौत के बाद अपने बेटे रियाज, बहू सना और बड़ी बहन के साथ अपनी कोठी में रहते थे। और बदकिस्मती ऐसी कि ये परिवार घोल का शिकार बना। दरअसल घोल जिनों की वो बिरादरी है जो कब्रिस्तान को अपनी मस्जिद, कब्र को अपना घर और इंसानी शरीर को अपना खाना मानते हैं। इनकी दुनिया के मर्दों को घोल और औरतों को घोला कहते हैं, और माना जाता है कि घोला की शक्ति दूसरे जिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। पूनम के चांद की रोशनी घोला के अंदर की जिन्नाती शक्तियों को कई गुना बढ़ा देती है। तो देखिए क्या हुआ नवाज मियाँ के परिवार का, जब उनका सामना हुआ एक ऐसी ही घोला से। इतनी रात को कब्रिस्तान आने का क्या मसला है अबू? अबू आना भी होता है तो अकेले आया कीजिए, हमें इस तरह साथ मत लाइए। रियाज बेटे, बस 2 मिनट की बात है। मैं यूं गया और यूं आया। इलाज करवाइए इनका। सठिया गए हैं अब्बू। मैं अभी आया बेटे। ठीक है, जल्दी जाइए। अचानक छोड़कर चली गई,
इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बगैर मैं अकेले इस दुनिया में कैसे जीऊंगा। और ऊपर से ये रियाज और सारा, खैर छोड़ो, जानती हो तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बेमतलब हो गई। सच पूछो तो मन करता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। नवाज के खून की खुशबू सबको मिली और इसीलिए अब हर घोल सिर्फ उसके शरीर को खाना चाहता था और उस खून को चखा सिर्फ बानों ने। शबाना, मैं चलता हूं, कल फिर आऊंगा। ये क्या था? कुछ भी नहीं है, बस 5 मिनट में अब्बू आते हैं, फिर निकलते हैं यहां से। ये शैतान 20 दिन में केवल एक बार खाना खाते हैं, पूनम की रात। इनके लिए जानवर और इंसानी लाशें इनकी पहली खुराक, पर इनकी निगाहें हमेशा जिंदा इंसानी शरीर पर जमी होती हैं। एक बार किसी इंसान के खून की खुशबू इन तक पहुंच गई तो वो इंसान इनके शिकंजे से बच नहीं सकता। 10 दिन बाद पूनम की रात, इसलिए तब तक बानों को नवाज को बाकी घोलों से बचाना था। जैसे जानवर अपने शिकार के आसपास दूसरे जानवर को भटकने नहीं देता, बानों के लिए नवाज भी वही शिकार था जिसे बचाए रखने का जिम्मा अब उसका था। अबू 2 मिनट के लिए गए थे आप और 1 घंटा लगा दिया आपने। देर हो गई बेटे, माफ कर देना। ये आप लोग शिकवे शिकायत है, घर जाकर कर लेना। फिलहाल यहां से चले। बानो घोला थी जिन्नात की वो ताकतवर बिरादरी जिनकी आंखों में वो ताकत होती है जो जिसको एक नजर देख ले उसको अपना गुलाम बना लेती है। ये मनचाहा रूप इख्तियार कर इंसान की जिंदगी में शामिल हो सकते हैं और जैसे ही मौका लगता है वैसे ही उनको जिंदा खा जाते हैं। बानो ने भी यही करना चाहा। बाकी घोलों से वो नवाज को इसलिए बचाती रही ताकि वो नवाज का शिकार खुद कर सके। इसलिए उसे लड़की के भेष में नवाज के और करीब आना पड़ा ताकि वो 24 घंटे नवाज पर नजर रख सके।
अबू। ये किसे साथ में लाए हैं? रियाज, घर आए मेहमान के साथ अदब से बात करना सीखो तुम। और हां, आज के बाद ये हमारे साथ इसी घर में रहेंगी और आज से आप सब इनके साथ अदब से पेश आएंगे, इनकी इज्जत करेंगे और इन्हें बराबरी का दर्जा देंगे। आई औलाद एक बार जिसका खून सूंघ ले उसे ही अपना शिकार मानती है। शायद इसलिए बार बार उस कब्रिस्तान में नवाज के साथ जाने के बावजूद सना और रियाज महफूज रहे। लेकिन अब जबकि बानो जो घोला थी वो खुद घर की चार दीवारी में आ चुकी थी और वो क्या करने वाली थी, ये बहुत बड़ा सवाल था। कोई नहीं जानता था कि वो औरत कौन थी, कहां से आई थी और नवाज के साथ उसका क्या रिश्ता है। पर सबको एक बात समझ में जरूर आ गई थी कि वो औरत नवाज को फंसाकर सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के फिराक में आई थी।
ओहो, तो फिरनी बनाई है आपने। वाह भैया, हमें अच्छी तरह याद है कि रियाज की अम्मी क्या स्वाद वाली फिरनी बनाया करती थी ईद पर। भाई वाह, इसका स्वाद तो वो फिरनी से भी ज्यादा बेहतर। माशाल्लाह, बहुत लजीज। कब तक पुरानी यादों को टटोलते रहेंगे आप? सब भूल जाइए, मैं आ गई हूं ना। क्या बात, बहुत ही लजीज। अब्बू, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी हफ्ता पहले ही आपने खीर खाई थी और आपको डॉक्टर ने सख्त मना किया मीठा खाने के लिए। डायबिटीज आपको है पर हार्ट अटैक आप हमें देते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं आ गई हूं ना। क्यों, आप कोई डॉक्टर हैं या कोई जादूगर हैं जो चुटकी मारती अब्बू को ठीक कर देंगी? कितने सालों से दवा ले रहे हैं आप जानती हैं? कुछ भी नहीं जानती आप। रियाज, क्या इस तरीके से किसी मेहमान से बात की जाती है? हैं? समझते हैं हम किस तरह की मेहमान है ये। चका, आप अभी और इसी वक्त इनसे माफी मांगे, कहिए इनसे कि आपने जो कुछ कहा है उसके लिए आप शर्मिंदा हैं। अब ये क्या कह रहे हैं आप? हम और इनसे माफी मांगो। हमने कहा माफी मांगिए अभी और इसी वक्त मांगिए माफी, मांगिए माफी, माफी मांगे रियाज, मांगे मांगे माफी। माफ कर दीजिए हमको। रियाज सुबह सुबह अपने काम पर चला जाता था, सना भी ऑफिस जाती थी पर 11 बजे, इसलिए वो सुबह उठकर सबका खाना बनाती थी। उस दिन भी दोपहर का खाना बनाने के लिए जब वो किचन में गई कैसे खराब हो गया? चिया भी सड़ गई है।
सारी सब्जियां सुबह ही तो खरीदी है, ये अचानक से खराब कैसे हो गई? ये सब क्या हो रहा है? सारी चीजें अचानक से खराब कैसे हो रही है? माफी चाहती हूँ। माफी? लेकिन क्यों? हमारा हाथ क्या लगा? सारा सामान खराब। बड़े नेक दिल इंसान है आपके अब्बू जान, खामखा उनके पीछे पड़े रहते हैं आप लोग, और अब मेरे भी। शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम जैसों को खाकर भी हमारी भूख नहीं मिटेगी। खाकर मतलब कौन हो तुम? ऑफिस जाकर सना ने जैसे ही रियाज को सारी सच्चाई बताई, एक पल के लिए तो रियाज को सना की बातों का यकीन नहीं हुआ। और हो भी कैसे, कहां होता है आम जिंदगी में ऐसा सब कुछ। पर दोनों को एक बात समझ में आ गई थी कि बानो कोई आम इंसान नहीं है। सना ऑफिस से वापस अपने मायके जाने की जिद पर थी, पर नवाज की जिंदगी बचाने के लिए दोनों को वापस अपने घर आना पड़ा। आइए सना। सना आइए। सना रियाज, रियाज, हमें अंदर नहीं जाना है। आप ही अबू को यहाँ पे ले आइए, हम यहीं पे अबू को सब समझा देंगे। सना आप घबरा के रही हैं, हम हैं ना आपके साथ। और वैसे भी आज सिर्फ आज रात की तो बात है, अबू को इस लड़की के चंगुल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए हमें, समझिए। आइए हमारे साथ। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हमें अंदर नहीं जाना है। ओके फाइन, आप यहीं रुकिए, हम जाकर अब्बू को लेके आते हैं। संभल कर जाना। हमारे साथ चलिए, वो औरत एक जन्नात है, एक
प्रेत है, आपकी जान को खतरा है अबू। आप अबू अबू उठिए, अबू अबू आइए वहां से। आइए हमारे साथ। आइए अबू। नवाज, अबू आप चलिए। दोनों बच्चे हमारे घर आए और पूरी बात बताई। एक पल में ही हमें समझ में आ गया कि सारा मसला क्या है, वो लड़की कौन है। वो गोला है, और ऐसी जिन्नातों का एक ही इलाज है, हमारे खानदानी पीर बाबा, जिनके पास ऐसी हर तकलीफ का इलाज होता है। बोल, फिर आएगा इधर का भी? किसी इंसान को परेशान करेगा? जा, चला जा, छोड़ इस बच्चे को, छोड़। आप कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी तुम क्यों बचाना चाहते हो इन्हें? तुम्हारे अब्बू तो सठिया गए हैं ना? आज 14वीं की रात है, आज गुलाब बहुत ताकतवर होगी। माफी चाहता हूं आपा। बाबा बाबा, हम आपके पैर पकड़ते हैं, हमारे अब्बू को बचा लीजिए बाबा। हम समझते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत शर्मिंदा है, अपनी अम्मी को खो चुके हैं, अब्बू को नहीं खोना चाहते। हमारी मदद कीजिए बाबा, मदद कीजिए हमारी। बाबा, हमारे अब्बू को जीन से बचा लीजिए बाबा। भोला है वो, जिनकी सबसे बड़ी ताकत और बिरादरी, और आज उसे रोकने गए तो कोई न कोई मौत जरूर होगी।
फिर भी अगर आप लोग ये खतरा उठाने के लिए तैयार हैं तो 2-3 बोतल खून और रस्सी का इंतजाम कर लें। या अल्लाह का बरक ताला, तू अपने फजल से आफताब आमिल से ये नेक काम करवा ले। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह रसल्लम। ये लीजिए ये मुकद्दस ताबीज, आप तीनों अपने अपने गले में डाल लें। लो बेटा, और जब तक मैं इबादत करूं आप अपनी अपनी जगह से बिल्कुल हिलेंगे नहीं, और जब मैं जोर से अल्लाह अकबर पुकारूं तो आप अपने घर में दाखिल हो जाएं। ये मुकद्दस आबे जमजम घर में पूरी अच्छी तरह से छिड़क देना, और फिर मैं बानो को बाहर लाऊंगा, इस चाकू से उसे जख्म दूंगा और यही आबे जमजम उसके जख्मों पर छिड़कूंगा। मुझे कुछ भी हो जाए आप लोगों में से कोई भी बाहर ना आए। अब मैं दुआ करता हूं, आप लोग भी हाथ उठाओ और अल्लाह से दुआ मांगो। है ना तू, तो आ मुझे खा ले। है हिम्मत, इस मुकद्दस पानी से आबे जमजम से तुझे जलाकर राख कर दूंगा, तेरी हस्ती मिटा दूंगा, तुझे नेस्तनाबूद कर दूंगा। आ आ मेरे पास। अल्लाह अकबर। अबू,
अल्लाह, या खुदा। आदमी को तुझे छोड़ना होगा, जा अब तू चली जा, और कभी इधर लौट के मत आना, वरना इसी अजमेरी बाबा से सामना होगा तेरा। अल्लाह तेरा शुक्रिया एहसान, एक बला मुसीबत टल गई। इन अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। घोला के आतंक से पूरी तरह आजाद हुए नवाज मियां अपने बेटे रियाज और बहू सना के साथ अब भी उसी कोठी में रहते हैं, और उनका 18 साल का पोता भी। अतीत की ये घटना सबके दिलों में एक बुरी याद की तरह है, जिसे इन सब ने भुला दिया। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार घोला आम तौर पर जिन की ही एक प्रजाति है, जिनके बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। इनका निवास अक्सर कब्रिस्तान या खंडहर जैसी जगहों पर होता है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि हमें ऐसी जगहों पर रात के वक्त नहीं जाना चाहिए।